नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। रामपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टोपी ओढ़ा एक शख्स अपनी माँ और बहन के साथ है। वो वीडियो में आरोप लगा रहा है कि उनकी बहन को हिंदू संगठनों ने अगवा कर लिया है और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। वीडियो वायरल करने वाला शख्स नदीम है। नदीम से जब हमने बात की तो उसने बताया कि उसकी छोटी बहन शहर में काम सीखने आती थी। तभी मनोज सक्सेना और सचिन शर्मा नाम के व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी का वादा किया और उसे अपने पास बुला लिया। जब उनकी बहन घर नहीं आई तो परिवार में उसकी खोजबीन शुरू कर दी तो पता चला कि उनकी बहन का नाम बदल कर आर्य अग्रवाल कर दिया गया है और फोन पर बात कराई गई लेकिन लड़की नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की मार्कशीट में उनकी उम्र 5/4/2004 लिखी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि शाहबाद से लड़की के अपहरण की तहरीर पर एक FIR हुई है। लड़की ने भी ये शिकायत की है कि उसका जबरन निकाह करना चाहते हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लड़की की मां की द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 504, 506 IPC व 16/17 पॉस्को एक्ट बनाम मनोज सक्सेना सहित 3 पर दर्ज किया है और लड़की द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की उसका अमीर अहमद द्वारा जबरदस्ती निकाह कराने व फर्जी प्रपत्र तैयार करने के संबंध में मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज किया गया है। समाचार टीजेट के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला तहसील शाहबाद का रहने वाला हूँ। मेरी 5 बहनें हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई जो है वो अस्पताल में एडमिट है और मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम महक है, सबसे छोटी सगी बहन है मेरी। वो उसको जो है हिंदू संगठनों ने अगवा कर लिया है और वो ना तो हमें उससे मिलने दे रहा है ना हमारी बात करा रहा है। और जब हम उनसे बोल रहे हैं तो वो कह रहा है ये तो हिंदू ही मुसलमान है ही नहीं, तुमने इसको मुसलमान बना रहे हो। और हमारी पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमें एसपी साहब के पास गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी और IG DIG साहब सबके पास हमने कॉल करी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और मेरे पास उसके मेरी बहन के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 से लेकर 10 तक के मौजूद है सर। देखो ये सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वगैरह सब कुछ है और उल्टा हमें धमकाया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है तुम्हें उल्टे केस में फंसा देंगे, बंद कर देंगे तुम्हें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें पुलिस हमारे घर पे पहुंच पहुंच के परेशान कर रही है। हम बहुत परेशान हैं साहब, हमारी कोई मदद कर सकते हो तो करो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मदद करो। मेरे नंबर पे फोन करके मेरी मदद कर सकते हो तो करो। मेरा नंबर 8010-2544 मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरी मदद करो जितनी हो सके। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। सर हम लोग शाहबाद के रहने वाले हैं। हमारी 2 सिस्टर आती थी रामपुर, जिसमें बड़ी सिस्टर का नाम सबली है, वो जियो केयर में जॉब करती थी, जियो कंपनी में। और छोटी सिस्टर जो थी वो MI केयर में काम सीखने के लिए सीखती थी इनको। उसके बाद वो काम सीखते सीखते उसे 20-25 दिन हो गए थे तो फिर वो सचिन वहाँ से गोरी टोरेंट ट्रेवल्स हैं, उनके मालिक मनोज सक्सेना हैं और उनके साथी हैं एक सचिन शर्मा। उनके कांटेक्ट में कैसे आई कैसे नहीं आई हमें मालूम नहीं। सर उन्होंने उसको बोला कि हमारे यहाँ पे जॉब कर ले, हमारे यहाँ मतलब काम सीख लो, हम तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देंगे। उसको नौकरी का झांसा दे के अपने यहाँ ले आए। वो 3-4 दिन उनके जाते रहे सर। उसके बाद सर उसका नाम बदल कर वो जब वो 29 तारीख को घर नहीं पहुँची सर, तो हमने तलाश किया सर 30 तारीख तक सुबह तक हमने तलाश किया। उसके बाद हमें कहीं मालूम पता नहीं लगा तो सर हम गोरी टोरेंट ट्रेवल्स पहुँचे। उसके बाद जब हमने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बोला यहाँ तो महक नाम की कोई लड़की है ही नहीं। फिर सर हमने फ़ोटो दिखाया तो बोले ये तो आर्य अग्रवाल है। तो हमने कहा नहीं ये तो आर्य अग्रवाल नहीं है। बोले नहीं ये तो आर्य अग्रवाल है उन्होंने बोला। फिर हमने बोला कि हमारी सिस्टर आपके यहाँ से गायब हुई है, बोले नहीं। फिर उन्होंने हमारी बात भी कराई उससे, उन्होंने सचिन शर्मा के पास फ़ोन करा, सचिन शर्मा ने उसकी बात मनोज सक्सेना के फ़ोन पर कराई हम उनसे, उसे धमका कर कराई किस तरह से कराई। सर एक अपहरण से संबंधित को मामला संज्ञान में आया है तो क्या है पूरा मामला सर थोड़ा? हाँ, शाहबाद से एक तहरीर आई है जिसमें कहा गया है कि हमारी लड़की का कुछ लोगों ने अपहरण कर रखा है।
उनकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से लड़की ने भी एक प्रार्थना पत्र दिया है, तहरीर दिया है कि ये लोग मेरा ज़बरदस्ती निकाह कराना चाहते हैं, उस पर भी मामला पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की इस टाइम पुलिस के कब्जे में है, उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रामपुर से राहत अली, आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। राहत जी, रामपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए पूजा जी, मैं आपको पूरी बात बता दूं, ये मामला रामपुर के शाहबाद का है। एक सप्ताह पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बहुत तेजी के साथ। वीडियो वायरल करने वाले का नाम नदीम है। जब हमने उससे बात की तो उसने बताया, मेरी छोटी बहन शहर में काम सीखने जाती थी, तभी मनोज सक्सेना और सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर उन्हें बुला लिया और उनका उसका नाम बदलकर आगे अग्रवाल कर दिया है और फोन पर हमारी बात कराई, लेकिन हमें जो है उसको नहीं दिया गया। राहत जी, ये क्या धर्म परिवर्तन का मामला है? जी ये परिवार वालों का आरोप है कि हमारी बहन का जो है नाम बदलकर जो है वो हिंदू नाम रखवा दिया गया है और उसका जो है धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। राहत जी, मामले में परिवार का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई मदद नहीं की गई। जी पुलिस की काफी अधिकारियों के दफ्तरों पे चक्कर लगाए परिवार वालों ने, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन आज सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और लड़की की माँ की तहरीर पर आईपीसी की धारा 363, 366, 504, 506, पॉक्सो एक्ट, मनोज सक्सेना सहित तीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर लड़की ने भी परिवार वालों पर आरोप लगाया है आमिर अहमद द्वारा जबरदस्ती निकाह कराने व फर्जी दस्तावेज कराने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र युक्ति ने भी दिया है, उसमें भी एक मुकदमा कायम हुआ है। आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 में दर्ज हुआ है। राहत जी, पुलिस की तरफ से इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, पहले लड़की का मेडिकल होगा, उसके बाद लड़की को जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके 164 के बयान होंगे, उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। राहत जी, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है? अभी तक कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम जो है आरोपियों की तलाश में लगे हैं और तलाश जारी है। राहत जी, तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रिया।